पिकनिक में ना हर फर्द की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, छोटे बच्चे जो है इस पे आपने नजर रखनी है, अच्छा ये है आपने ये, अब ये एक्टिविटी आपने करनी, खो खो आपने खेलवाना है, वो कुछ जिम्मेदारी के तुम तो जाते ही नहीं, मैं तुमसे क्यों सवाल कर रही हूं, ये तो फैमिली गई नहीं है कभी, चलो तुम दोस्तों के साथ जाते हो कोई जिम्मेदारी तो होती होगी कि बारबेक्यू तुमने बनाना है। नहीं, बारबेक्यू हमेशा बनाया नहीं। अच्छा ये तुम्हारी जिम्मेदारी। आई लव कुकिंग। हाँ वाह भाई, हाँ भाई आपकी क्या रमीज क्या जिम्मेदारी? बारबेक्यू के लिए कोयलों को रेड करने की जिम्मेदारी। वो पंखा जल रहे हैं, इससे पहले इनकी होगी जिम्मेदारी, खाना जलाते होंगे ना ये। नहीं नहीं, मैं सिर्फ आग लगाता हूँ, तो वो चाहे वो हलीम के की देखो के लिए आग लगानी हो वो जिम्मेदारी मेरी, चाहे बारबेक्यू के लिए आग लगानी हो वो जिम्मेदारी मेरी, चाहे लोगों को लड़ाना हो वहाँ पे लड़ाने का, तो मैं मोहब्बत वाला आदमी। वो बारी क्या होती है, मैं बच्चों को मॉनिटर होता हूँ, हमें पता है जिम्मेदारी बताओ। अच्छा लेकिन बच्चों को मारो, यहाँ पे नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, डूबने के बाद ना मैं नजर भी रखता हूँ बच्चों बच्चों वो आगे भी। हाँ भाई तुम्हारी? मैं गाने चला देती हूँ, सॉन्ग्स वगैरह, डीजे बन जाती हूँ। अच्छा, तो मैं एक्चुअली डीजे होती हूँ। हाँ डीजे, डीजे मिस बात। तुम्हारी? मेरा मेरी जिम्मेदारी होती है चेक करने की सब कुछ सही है कि नहीं है, मतलब जैसे कि अच्छा सुपरवाइज है, कभी कभी तो सब सुपरवाइज भी मैं करती हूँ, घर भी मैं बुक कराती हूँ, सब कुछ मैं कर रही होती हूँ। किसी को नहीं लेके जाते मुझे क्यों नहीं लेके जाते, वो पूछे घर पे पहुंच के जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी नहीं पूछ रही वो। हाँ तो तुम सुपरवाइजर होती है। हाँ अगर चूल हट में जैसे गैस नहीं आ रही है तो अम्मी मुझे बोलेंगी गैस क्यों नहीं आ रही है, उसको बोलो इसने तो बोला था पैसे पूरे लिए ना फिर गैस क्यों नहीं, तो ये और लाइट नहीं आ रही है, लाइट क्यों नहीं, वॉशरूम से पानी क्यों नहीं आ रहा है, ये सब जिम्मेदारी होती है। जो बुक कराता है ना वो लगता है उसके ही सारी, ये क्यों नहीं है इसमें, पूरे खानदान वाले पीछे पड़ जाते हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि हम लोग हमेशा सुबह सुबह उधर कोई कैमरा नहीं तो उधर क्यों चीट कर रही है, मैं उन्हीं को देख रही हूँ भाई, मैं चेक करूंगी। बुरा मत मानना, ये हमारी दोस्त है, दैनिक तवाज तो थोड़ा ठीक नहीं, दीवारों से बातें करती, जवान लड़की है, सुध से हो जाएगा। नहीं वो बुझाई की टांग लंबी आई, आज तुम नहीं समझ सकते भाई जिम्मेदारी क्या होती है ना। हम सुबह सुबह जाते थे, हाँ तो हमारी मेरी जिम्मेदारी, हम लोगों की जिम्मेदारी स्पेशली मेरी और मेरे भाई की, सुबह सुबह सबको टाइम टू उठाना, क्योंकि एक्साइटमेंट से हमें तो पूरी रात नींद आती नहीं थी, और बड़े जो भी हमारे थे वो तो सुबह सो जाया करते थे, और वो हमें कहते थे कि सो जाओ सुबह जाना है, सो जाओ सुबह जाना है, हम लोग सोते नहीं थे पूरी रात, वो रात सुबह चल रही होती थी, सुबह हम सब कहते उठो उठो जल्दी उठो हम लेट हो जाएंगे, तो मेरी अम्मी कहती थी अगर स्कूल के लिए भी इतनी फिक्र कर लो ना, और स्कूल के लिए भी टाइम से खुद उठ जाओ तो बेटा बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हम पिकनिक के लिए ज्यादा पिकनिक के लिए एक्साइटमेंट है निकालनी, स्कूल की छोड़ो कुछ और। ये कजन्स के जागने वाला सीन मुझे भी याद है। हाँ, इसके पास किससे अनेक, हमारा दिमाग खराब। आपकी उम्र क्या है? क्या अभी एज क्या? 16 ही होगी, छोड़ो। क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे पास इसलिए वाकयात ज्यादा है। चलिए ठीक है, अब्बू आप बोले। इसने अब्बू आप बोले, 612 देखी है तुमने? सही बात है, कम जी जी हम सब कजन अगले दिन जाना है पिकनिक पे, पूरा रात बैठ के, उस वक्त सेगा गेम होता था, सेगा गेम खेला पूरी रात जाके, एक्साइटमेंट है क्या, सारे कजन मिले साथ कि कल पिकनिक पे जाना है, पूरी रात जाके सुबह सबको उठाया, पिकनिक पे पहुंचे हम सब सो गए। किंजर जीत गए थे, वहाँ जाके सो गए। अच्छा उसमें होता ही है कि आप बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत आपकी एनर्जी फुल होती है, वापसी में उनकी शक्लें देखने वाली होती है, एक दूसरे पे कह रहे होते हैं, एक दूसरे पे बस में सो रहे होते हैं, लाशों का ढेर बना। बस में जाते थे, गाड़ियों में जाते थे क्या? बस कोस्टर कोस्टर बसेस, कोस्टर में सब सो रहे होते हैं, वापसी में जाते, वापसी में, वो कह रही हो ना, वापसी में वो वाले सो रहे, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, छोटा एज ग्रुप होता है ना जो रात से नहीं सो रहे होते, वो सो रहे होते हैं, वही एक्साइटमेंट। और उस वक्त वीडियो बनाने, किसी का मुंह यूं खुला हुआ, मेरी तो एक बहुत बुरी वीडियो। वापसी में सबसे पता है जहर चीज क्या लग रही थी, आप थक गए ना, सारी पिकनिक एंजॉय कर ली, काले भी हो गए, सब कुछ हो गए, आप सूख साख के बैठे गाड़ी में आके, और एक कजन जिसको आखिरी में ना चुल काट दी, मैं एक पानी में चक्कर लगा के आ रहा वो गीला गीला आपके बराबर में आके बैठ गया ना बस में, और आप पूरे रास्ते अपने यार भाई मैं सूखा पड़ा, दूर होके बैठ गया तो गीला। अच्छा मैं वो आप भी गीले हो जाते हैं उनकी तक, और मक्खियां कोस्टर में हर तरफ, और स्पेशली अगर आप हॉक्स बे जाते हैं पिकनिक पे, तो वापसी में जो बस होती है ना
ऐसा लगता है थर से वापस आ रही है, पूरी बस में रेत ही रेत ना, किसी के कांचों में फंसी हुई है। अच्छा कुछ लोग होते हैं बस में आके जेब यूं करते हैं, तो बाहर कर ले भाई तू, ये जेब पे से जो सोना निकलता है ना ये बड़ा मसला, जेब जो है ना वो तो उसमें से बाकी जेब तक में रेत चली जाती है, और फिर जो जेब पांच छह को तो जींस मोड़ गए बस में आके जींस अंदर से एक दो दफा तो पुलिस पे सबके साथ होता है, बड़ा सीन हो गया, सच्ची बात है। बगैर बताए हम पिकनिक पे गए थे दोस्तों के साथ, वापस आए तो पूछा काम है, वो ये काम था वो काम था वो, अब वो रेत वाला मामला ना वो जूतों से निकल गई, बरामद हो गई, वो तो अलग पकड़ी जाती है। बोला ये कौन सी मिट्टी है, तुम तो कहीं गए थे? मैंने कहा नहीं हम कहाँ गए थे, हम तो वहाँ दोस्त के आते, तो वो कभी कभी पकड़ाई भी होती है।